आज की वीडियो में यूपीएस देहरादून की पूरी डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। ये कॉलेज आपके लिए क्यों वर्थ इट, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा फीस पे कर रहे होते हैं यहाँ पे। अब हाई फीस के केस में इसका आरओआई का गणित कितना बैठ रहा है, उन सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ ही आपको एडमिशन किस किस मोड के थ्रू मिल सकता है, और खास करके हम इसके एंट्रेंस एग्जाम को भी कवर कर रहे होंगे, उसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, सिलेबस क्या होती है, एग्जाम पैटर्न्स क्या होते हैं। तो कुल मिला के हम इसको पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जाम तक, एडमिशन तक, प्लेसमेंट के साथ कवर करेंगे। आप जब यहाँ से किसी भी कोर्स में पास आउट हो गए तो आपको कितनी पैकेज मिलने वाली है। तो देखो, इस कॉलेज का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून। तो ऑब्वियसली ये जिस लोकेशन पे है, काफी ऑसम कैंपस है। ये आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एस्टैब्लिश 2003 में हुआ, कैंपस 44 एकड़ का है, लोकेशन है प्रेम नगर बिदौली। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे यूपीएस देहरादून है तो देहरादून में ही होगा, देहरादून में नहीं है। 40 मिनट का रास्ता है देहरादून से इस कॉलेज के लिए, और ये आपका उत्तराखंड स्टेट में आता है। अगर एफिलिएट की बात करें तो यूजीसी से एफिलिएट है, एनबीए से डीआईएसआर एंड बीसीआई, एनएएसी से ए ग्रेड भी मिल चुका है। अब अगर एनआईआरएफ रैंकिंग की बात की जाए, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग में 54 रैंकिंग मिली है, मैनेजमेंट में 39, यूनिवर्सिटी में 52, ओवरऑल 79 रैंक है। एंड अगर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें भी इसको इतना रैंकिंग मिल चुका है, 901 से 950 के अराउंड, ठीक है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 243 मिल चुका है 2023 में, विच इज गुड थिंग। अब हम थोड़ा एकेडमिक्स ओवरव्यू की बात करते हैं। यहाँ पे 20 प्लस इंडस्ट्री अलाइंड एंड स्पेशलाइज्ड यूजी एंड प्रोग्राम्स मिलेंगे। अगर सीट इनटेक देखा जाए पर ईयर के हिसाब से, निर्फ डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, बीटेक में 1200 प्लस है, यूजी एंड पीजी में 3400 प्लस के अराउंड सीट्स हैं, मतलब इतने स्टूडेंट इनटेक लेते हैं। अगर एक्चुअल स्ट्रेंथ देखा जाए निर्फ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 12000 के प्लस ही है, जिसमें से आपको मेल स्टूडेंट 8300 प्लस मिलेंगे, फीमेल 3900 प्लस मिलेंगे। अगर बीटेक का देखा जाए तो 5.5000 इन बीटेक मिलेंगे, जिसमें इसका रेशियो होगा 4:1 का। अब अगर ग्रेजुएटिंग रेट देखा जाए इसके इनटेक के हिसाब से, ठीक है, सारे कोर्सेस मिला के यूजी और पीजी का, चाहे जो भी कोर्स हो, चाहे बीटेक हो, एमटेक हो, एमबीए हो, बीसीए हो, जितने भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं, अगर उसका ग्रेजुएटिंग रेट देखा जाए तो 95% के अराउंड है अप्रॉक्स। अब इसमें से कितने स्टूडेंट हायर स्टडीज को प्रीफर करता है, चाहे वो यूजी का स्टूडेंट हो या पीजी का, लगभग 300 से ऊपर ही जाता है हर साल। सो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा स्टूडेंट स्ट्रेंथ यहाँ की 15,000 प्लस है, बट यहाँ पे निर्फ के अकॉर्डिंग क्या है, 12,000 के राउंड है। तो ये बस नंबर्स का गेम है, ठीक है। प्रोग्राम 80 प्लस मिलेंगे, जिसमें स्पेशलाइजेशन के 200 प्लस मिलेंगे, फैकल्टी 500 प्लस है यहाँ पे, विच इज गुड थिंग। तो यहाँ पे कई सारे स्कूल है, सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, आपको डिजाइन रिलेटेड कोर्स भी मिलेंगे, लॉ के भी कोर्स मिलेंगे, बिजनेस के भी कोर्स मिलेंगे, हेल्थ साइंस के मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। अगर एकेडमिक्स प्रोग्राम की बात की जाए तो अगर बीटेक का देखे तो बहुत सारे कोर्स है, एरोस्पेस है, अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, और खास करके हम सीएससी जैसे ब्रांच में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो सीएससी का कितना सारा ब्रांच है, साथ ही यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स भी मिल रहे होंगे। देखो, अगर फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो ना, तो मैंने अभी एक कॉलेज का रिव्यू कर रखा है सीयू सेट का, ठीक है, कोचिन यूनिवर्सिटी का। इस डिपार्टमेंट की काफी अच्छी प्लेसमेंट है, तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना अगर आप इन जैसे ब्रांच में जाना चाहते हो, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, तो वो कॉलेज आई थिंक आप प्रीफर कर सकते हो। तो उसकी रिव्यू वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि उसकी भी फॉर्म आ चुकी है। अब सवाल आता है एडमिशन का, तो एडमिशन देखो हमें जेईई मेन के स्कोर पे भी मिलेगा और यूपीईएस के ईएटी एग्जाम के थ्रू भी मिलेगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या सीयूईटी के स्कोर पे भी एडमिशन मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, सीयूईटी यूजी एंड पीजी दोनों के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है कोर्स के अकॉर्डिंग। अब अगर यूपी सेट एग्जाम का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसका खुद का यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है और इस एग्जाम को जाना जाता है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। हर कोर्स के लिए अलग एग्जाम होता है, उसका नाम अलग होता है। जैसे एमबीए के लिए एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा, एग्जाम लेवल यूनिवर्सिटी लेवल का होगा, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड होगा। सो अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, तो अगर बीटेक जैसे कोर्स में एडमिशन चाहते हो तो आपको 10th 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में भी। अब अगर बाकी कोर्स का भी देखे तो यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स है 10th और 12th में। अब इस एग्जाम का आपको कितना फीस पे करना होगा, 1350 रुपए। अब अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर आपका सेंटर बेस्ड मोड होगा, ठीक है, ये दो मोड में इसका एग्जाम होता है। अगर आप सेंटर बेस्ड एग्जाम ऑप्शन चूज करते हो, अगर आप ऑनलाइन चूज करते हो तो 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। अब 1 घंटा कम क्यों है वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा। मीडियम होगा इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है, सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप सेंटर बेस्ड एग्जाम मोड चूज कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन मोड चूज करते हो तो 125 क्वेश्चन होंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको 1 घंटा कम मिला है। मार्किंग स्कीम अगर देखा जाए तो 1 मार्क मिलेंगे सारे क्वेश्चन के लिए, निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। तो बेसिकली आपका जो सेक्शन होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल इंग्लिश का होगा। अब भैया इसका सिलेबस
क्या होता है, तो बेसिकली 12th और 11th लेवल का ही सिलेबस होता है, ठीक है। तो इन सब के एग्जाम में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पेपर इजी टू मॉडरेट ही होता है, मॉडरेट से ऊपर नहीं जाता इसका क्वेश्चन। अब देखो, अगर तुम डायरेक्ट अप्लाई करते हो सकता है तुम्हें कुछ प्रॉफिट ना मिले स्कॉलरशिप के अलावा, बट अगर तुम सारी प्रोसेस हमारे थ्रू करते हो, ठीक है, यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है, अगर तुम इसको फिल कर दोगे और सारी प्रोसेस हमारे थ्रू करते हो रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक, तो तुम्हें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। बेसिकली ये हमें कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, हम खुद स्टूडेंट के लिए ये चीज लेके आए, ताकि स्टूडेंट अगर प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हो तो उसे स्टार्टिंग से पता हो कि आगे क्या करना है, ताकि चाहे अच्छी जॉब, इंटर्नशिप या फिर फ्रीलांसिंग वगैरह का काम कर सके। चाहे आपका बीटेक हो, बीसीए हो, एमबीए हो, कोई सा भी कोर्स हो, इसमें जो सब्सक्रिप्शन मिल सकता है आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, या फिर आपको कुछ कोर्स मिलेगा तो यूडीमी का, कोर्सेरा का, एनपीटीएल का, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसकी कोर्स आपको मिल सकती है, जो खास करके जॉब्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब इससे क्या होगा, आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, नॉलेज इंप्रूव होगी। तो ये खास करके यूपीएस का है गूगल फॉर्म, तो इसको फिल कर सकते हो। बाकी और भी कॉलेजेस का हम कुछ कवर कर रहे हैं, उसका लिंक भी इस पीडीएफ के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी अदर प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो, इस कॉलेज में नहीं जाना चाहते, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, यूजी का, पीजी का, अब इस कॉलेज में हम एडमिशन ले लेते, हमें फीस कितना पे करना पड़ेगा, अगर आप बीटेक का देखते हो 18 लाख के अराउंड, अदर कोर्सेज के लिए, सीएससी का नहीं है, बाकी सारे जितने भी कोर्स है उसमें 18 लाख तक पूरे 4 साल में पे करना होगा, तो फीस ऑब्वियसली काफी ज्यादा है। अगर स्ट्रीम टू सीएस जैसे ब्रांच में जाना चाहते हो तो 20 लाख तक आपको पे करना पड़ सकता है पूरे 4 साल में। बीबीए जैसे कोर्स में जाना चाहते हो तो 10 लाख से ऊपर आपको थोड़ा सा मिलेगा 3 साल का। बीसीए के लिए 5.6 लाख के अराउंड 3 इयर्स का मिलेगा। एमबीए के लिए 6.5 लाख 2 इयर्स का मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज क्लियरली दिख रहा है कि फीस काफी ज्यादा है यहाँ पे। अब अगर हॉस्टल फैसिलिटी देखा जाए, क्योंकि हमें हॉस्टल का भी फीस लगने वाला है, अगर बॉयज स्टूडेंट हो तो बिदौली कैंपस में आपको 1,74,000 रुपए तक पे करना पड़ेगा पर ईयर का, जिसमें आपका ट्रिपल शेयरिंग होगा और कॉमन वाशरूम होगा। बाकी गर्ल्स के लिए 1,74,000 से स्टार्टिंग है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस फैसिलिटीज के लिए जाना चाहते हो, अगर अच्छी फैसिलिटीज चाहते हो तो आपको 2,31,000 तक पे करना पड़ेगा। बाकी अगर दूसरी कैंपस के हॉस्टल की बात की जाए तो यहाँ भी सेम प्राइस है, ठीक है, बट यहाँ पे बॉयज के लिए भी थोड़ा सा और कंफर्टेबल है कि आपको भी 2,31,000 तक पे करना पड़ सकता है अगर आप एयर कंडीशन वाले रूम को लेते हो। गर्ल्स के लिए भी सेम है, ठीक है। तो बेसिकली हॉस्टल का फीस डिपेंड करता है कि आप कैसे सुविधा लेना चाहते हो। तो हॉस्टल का फीस जो है आपका 3 लाख से लेके 10 लाख तक भी जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज है, अगर आप हॉस्टल लेते हो तो ये 2 सर्टिफिकेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनवाना ही पड़ेगा। एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, जो आप अपने शहर या टाउन से बनवा सकते हो। ये तो हो गई हमारी हॉस्टल और ट्यूशन फीस, इसके अलावा और भी कई सारे फीस है। बेसिकली ये सारे कॉलेजेस के फीस होते हैं, सिर्फ इसी के नहीं, और भी कई सारे कॉलेजेस में। लेकिन कुछ कॉलेज में क्या होता है, ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में, कि वो सारे फीस आपके ट्यूशन फीस में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फीस, जिसका आपको 28,000 एक टाइम पे करना होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 21,000, रिफंड सिक्योरिटी 20,000 का, ठीक है। लेवीज एंड टैक्सेस, कॉन्वोकेशन फीस 2,000, एलुमिनाई फीस 2,000, टेक्नोलॉजी फीस, ये आपको पर सेमेस्टर चार्ज करना होगा 3,400 रुपए। इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, आई कार्ड फीस 500 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज 30,000 पर ईयर का, कंज्यूमेबल फीस। तो ये सारे फीस है, अगर आप सारी फैसिलिटीज को मिला दो तो ये 30 लाख के अराउंड चला जाता है फीस। तो अब मान के चलो अगर आपकी फीस काफी ज्यादा हो जाती है तो क्या आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है? तो हाँ, बिल्कुल स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो स्कॉलरशिप का रेंज 10% से लेके 100% तक है। बहुत सारे क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप्स के, जैसे बोनाफाइड उत्तराखंड स्टूडेंट, फेलोशिप फॉर एमटेक एमडीएस, स्कॉलरशिप फॉर एमबीए, फ्री सिप्स, उसके बाद आपका एकेडमिक्स परफॉर्मेंस है, एलुमनाई स्कॉलरशिप है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट है, एम्प्लॉय वार्ड स्कॉलरशिप है, एम्प्लॉय सिबलिंग वार्ड स्कॉलरशिप है। बेसिकली टॉपर्स के लिए काफी अच्छा है यहाँ पे, अगर आप बोर्ड या फिर जेई में हो या फिर परसेंटेज इतनी है तो आपको 100% से लेके 75% तक मिल सकती है। बट आई डोंट थिंक कि टॉपर्स लोग इस कॉलेज को प्रीफर करते होंगे, क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शन होंगे अगर वो उन्होंने अच्छी रैंक लाई होगी। बाकी अगर तुम टॉपर नहीं हो तो तुम्हें 10% से लेके 30% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, डिपेंड करता है आपका 12th मार्क्स, जेई का मार्क्स और सीयूईटी स्कोर। गर्ल्स के लिए अलग क्राइटेरिया है और बॉयज के लिए अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अब जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा क्लास 12th के स्कोर पे, जेई के स्कोर पे, सीयूईटी के स्कोर पे, ये स्कॉलरशिप आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलने वाला है। और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, अगर आप यहीं से पढ़ना चाहते हो तो एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। अब अगर हम इतना फीस पे कर रहे होते हैं तो ये कॉलेज अपना अमाउंट यूटिलाइज्ड कहाँ करता है, यहाँ से आप देख सकते हो। इसका हर ईयर का डेटा NIRF में सबमिट होता है। जैसे NIRF के 23 डेटा के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी पे 11 करोड़ के अराउंड खर्च करते हैं, इक्विपमेंट्स फॉर लेबोरेटरीज 1.3 करोड़, इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स 9 लाख, स्टूडियोज 4.38 लाख, सैलरीज के लिए 214 करोड़ के अराउंड खर्च करते हैं, अदर एक्सपेंडिचर के लिए 2.48 करोड़। अब इसके स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट 23 है, टोटल नंबर ऑफ फंडिंग एजेंसी 13 है, टोटल अमाउंट जो अभी तक इन्होंने रिसीव्ड करी है स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट से वो 4 करोड़ के अराउंड है। अब
जिसके मेंटेनेंस एकेडमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे 105 करोड़ रुपीस खर्च होते हैं। सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप्स के लिए 1.24 करोड़ इस पे खर्च करते हैं। यहाँ की दो चीज काफी औसम है, एक है टीचर्स की सैलरी और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ये काफी ज्यादा खर्च करते हैं, विच इज गुड थिंग। तो अब आखिर में मेन मुद्दा आता है प्लेसमेंट का, हम इतना फीस पे कर रहे होते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है अच्छी खासी। अब अगर प्लेसमेंट स्टेट देखा जाए 2023 की, तो हाईएस्ट 50 एलपी है, टोटल स्टूडेंट प्लेस्ड 1900, टोटल रिक्रूटर्स 560 प्लस। और अगर 2024 की स्टैट्स देखा जाए तो प्लेसमेंट अभी ऑनगोइंग है, ठीक है, ये अभी 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा। अभी तक जो हाईएस्ट पैकेज गई है 33 एलपी की, बीटेक में 370 प्लस स्टूडेंट अभी तक प्लेस्ड हो चुके हैं और बाकी सारे कोर्सेज का 480 प्लस अभी ऑनगोइंग है। टोटल रिक्रूटर्स अभी डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी प्लेसमेंट चली रही है और प्लेसमेंट परसेंटेज भी अभी इसका कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि प्लेसमेंट अभी चल रही है। अब ये हाईएस्ट डेटा हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए क्योंकि अभी प्लेसमेंट का फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। बट मैं इसके डेटा से एक चीज बताना चाहूंगा कि बीटेक की अगर प्लेसमेंट देखा जाए प्रीवियस 3 इयर्स की, तो 48% से लेके 73% तक स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हुए हैं। ग्रेजुएट होने के बाद जितने स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगती है उसका प्लेस्ड परसेंटेज आई है, ठीक है। बट अगर मैं इनटेक के साथ इसका प्लेस्ड परसेंटेज निकालूं तो ये और भी कम हो जाएगा डेटा। बाकी अभी इसका एडवांस इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट देख सकते हो 33 गया है हाईएस्ट, और अगर टॉप 10% एवरेज सीटीसी देखा जाए तो 21.5 एलपीए का है, एडवांस इंजीनियरिंग का 22.5 एलपीए का है। तो जो ऊपर के टॉप 10 बच्चे हैं उसके लिए प्लेसमेंट काफी सही है यहाँ पे। तो अगर आप भी मेहनत करना जानते हो, मेहनत कर सकते हो और हमेशा कॉलेज के टॉप बच्चे में रह सकते हो, तो ये कॉलेज आप प्रेफर कर सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जितना ज्यादा फीस पे कर रहे हो तो रिटर्न में उतना मिल जाता है, विच इज गुड थिंग। बाकी बिजनेस का देख सकते हो अभी तक 29 एलपीए गया है, एमबीए का 29 एलपीए गया है, बीबीए का 10 एलपीए तक गया है अभी तक, डिजाइन का 13.75 एलपीए गया है अभी तक, स्कूल ऑफ लॉ का 15 एलपीए गया है अभी तक हाईएस्ट, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 5 एलपीए गया है अभी तक। तो अब यहाँ पे देखो इन्होंने जो डेटा मेंशन कर रखे टॉप 10% एवरेज सीटीसी, तो इनके लिए ये कॉलेज काफी सही है क्योंकि प्लेसमेंट काफी अच्छे मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे स्कूल वाइज देख सकते हो एडवांस इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस का, बिजनेस डिजाइन, लॉ, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मीडिया, तो ये यहाँ की एवरेज सीटीसी है 2024 डेटा के अकॉर्डिंग। ये डेटा चेंज भी हो सकता है। अगर प्लेस्ड परसेंटेज देखा जाए एनआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग यूजी एंड पीजी कोर्स का, तो 3 इयर्स का 48% से 50% के राउंड है, यूजी 4 इयर्स का 76% से 94% के राउंड है, इंक्लूडिंग ऑल कोर्सेज नॉट ओनली बीटेक, 5 इयर्स कोर्स का 35 से 58% तक अभी रहा प्लेस्ड परसेंटेज, पीजी 1 ईयर का नॉट अवेलेबल है डेटा, पीजी 2 इयर्स का 93% है और यूजी 6 ईयर का 94% है। तो पीजी का डेटा काफी अच्छा यहाँ पे। अगर मीडियम सैलरी देखा जाए एनआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग यूजी एंड पीजी का, तो 3 इयर्स का 4.2 एलपीए, 4 इयर्स यूजी कोर्स का 6 एलपीए, यूजी 5 इयर्स का 3.6 एलपीए, पीजी 1 ईयर का नॉट अवेलेबल है डेटा, पीजी 2 इयर्स का 6.5 एलपीए, पीजी 3 इयर्स का 4-5 एलपीए। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो ज्यादातर प्लेसमेंट का रेंज क्या होता है। अगर टॉप रिक्रूटर्स की बात की जाए तो यहाँ से देख सकते हो सारी अच्छी कंपनीज आपको यहाँ पे दिखेंगी, प्लेसमेंट में कोई कमी नहीं है, कंपनीज काफी अच्छी अच्छी आती है यहाँ पे। अब अगर कैंपस लाइफ की बात की जाए तो देखो ये 44 एकड़ का कैंपस है, फैसिलिटीज आपको बहुत ही अच्छी मिलेंगी, चाहे वो लैब्स का हो, हॉस्टल का हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का हो, काफी अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पे, नो डाउट कैंपस ऑसम है। वेल मेंटेन्ड हॉस्टल मिलेंगे, लॉन्ड्री सर्विस अवेलेबल है, मेस फूड भी अच्छी खासी है, यहाँ की कल्चरल फेस्ट ऊर्जा है। बाकी आपको कैंपस में मेडिकल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स एंड जिमनेजियम, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही होंगी, तो फैसिलिटीज में कोई कमी नहीं है। अब इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज कर सकते हो, देखो ग्रेट स्टार्टअप कल्चर है, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटी, कैंपस एंड हॉस्टल लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों में नो डाउट है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, अगर स्कॉलरशिप भी लगती है तब भी आपका रिएक्शन ऐसा ही होगा, अगर स्कॉलरशिप नहीं लगती है तब तो आपका ऐसा रिएक्शन होगा ही। देखो मैं यही कहना चाहूंगा, चीज बहुत बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, बट खर्चा इतना ज्यादा है ना, इफ यू नो यू नो। बाकी हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मेंशन कर रखे हैं, जैसे स्कॉलरशिप एंड एड का, ठीक है, एडमिशन अलर्ट्स का, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेंगे एडमिशन से रिलेटेड, कैंपस एक्सपीरियंस का, कैसी कैंपस है, ठीक है, हॉस्टल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फीस स्ट्रक्चर, बाकी सारे कोर्सेज का, कोर्स वाइज फीस देख सकते हो, अप्लाई कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। बाकी मैं यही कहूंगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी में तो हमारे गूगल फॉर्म के थ्रू जा सकते हो जो ऊपर मेंशन है, और अगर आपको इस पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो मैं इसका लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट हो, कमेंट में पूछ सकते हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।